Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and safe. मैं मीना. So friends, आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है housewife के लिए, homemaker के लिए. काफी टाइम से मैं ये वीडियो करने की सोच रही थी. मुझे रिक्वेस्ट भी आया था कि आप कुछ ऐसे ट्रिप एंड ट्रिक्स बताएं जिससे housewife जो है घर पे attractive and stylish दिख सकें. तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे अभी फिलहाल आप मुझे देख सकते हो, मैंने सिर्फ अभी नहाया, जस्ट मैं फेस वॉश करके आई हूँ. और बहुत सारी औरतें ऐसी ही होती हैं कि नहाने के बाद बस थोड़ा सा सिंदूर लगा के, बिंदी लगा के बस सारा दिन अपने कामों में लग जाती हैं. घर फैमिली बच्चों में इतना बिजी हो जाती हैं कि अपने लिए वो थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाती हैं. और इसी वजह से ऐसा होता है कि अगर हम कम एज के भी रहते हैं तो अपने जितनी भी एज रहती है उससे 5-10 साल बड़े लगते हैं, बड़े दिखते हैं, थोड़ा एजड दिखते हैं. तो अगर इस वाले वीडियो को आप थोड़ा सा भी देखेंगे ना तो वीडियो इतनी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए. सो गाइज, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना तो आपकी जिंदगी बदल जाने वाली है, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाने वाली है. इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही यंग और स्टाइलिश दिखेंगी पहले की अपेक्षा. तो जो चीजें मैं फॉलो करती हूँ, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि मैं हमेशा मेकअप में ही दिखती हूँ क्योंकि मेरा काम है मेकअप की वीडियोस बनाना, और उनको यही लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती हूँ, बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और हमेशा सारा दिन मेकअप में रहती हूँ. तो ऐसा नहीं गाइस, जिस दिन मुझे वीडियो बनाना होता है मैं उसी दिन मेकअप करती हूँ, बाकी दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ. मेरी स्किन पे कोई मेकअप नहीं होता, बस जस्ट मैं स्किन केयर करती हूँ क्योंकि वो मैं अवॉइड नहीं कर सकती हूँ बिकॉज आई लव स्किन केयर. और अभी आप देख रहे होंगे मुझे थोड़े से डार्क सर्कल वगैरह हो गए, पिगमेंटेशन हो गई. और इस वीडियो को मैं काफ़ी टाइम से मेरी पेंडिंग थी, मैं नहीं कर पा रही थी, रिक्वेस्ट भी मुझे आ रही थी. मैंने सोचा चलो फाइनली मैं ये वीडियो आप लोग के साथ में शेयर कर ही देती हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि आपने वीडियो शेयर नहीं किया. और गाइस, आप लोग पहले तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स देते थे वीडियोज पे, पर अब भी बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, ऐसा रिस्पॉन्स जरूर दीजिए. तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और हाउस वाइफ के लिए शेयर करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे वो घर में ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश कैसे दिख सके. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना. तो सबसे पहले एक बात आती है कि हम जो हाउसवाइफ रहते हैं, मैंने लगभग सभी जो हाउसवाइफ है मैंने देखा है कि सुबह उठ के नहाने धोने के बाद कुछ इसी तरह से दिखती हैं वो, बिल्कुल ना कोई मेकअप होता है ना फेस पे ना कुछ होता है, तो बस ऐसे ही सारा दिन काम में लगी रहती हैं. टाइम मिला तो अपने लिए थोड़ा सा उन्होंने टाइम निकाल के काम वगैरह किया, अदरवाइज ऐसे ही रहता है. तो पहले मैं भी ऐसा ही करती थी, बट धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए. तो मैं आप सभी से कहूँगी, कितना भी बिजी हो आप, लेकिन आप अपने आप को सुबह के टाइम नहाने धोने के बाद 10 से 15 मिनट आप जरूर दीजिए, 10 मिनट तो दीजिए ही दीजिए मैक्सिमम, जिससे आप ना पूरी दिन बहुत ही अच्छे से दिखेंगी. कई बार ऐसा होता है कि हम काम में लगे हैं और ऐसे बने हुए हैं और कोई हमारे गेस्ट आ गए, हमारे फ्रेंड आ गए, हमारे रिलेटिव आ गया, तो फटाफट से हम भागते हैं, जल्दी जल्दी से रेडी होते हैं. तो ऐसा नहीं, अगर आप एक बार सुबह सुबह रेडी हो जाओगे ना तो पूरा दिन आप बहुत ही सुंदर दिखोगे. चाहे कोई आ रहा है जा रहा है, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है. आपको अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाना है तो फटाफट आप जा सकते हो, जाने से पहले रेडी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आज मैं कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करूंगी. तो सबसे पहले बात आती है मेकअप की. तो आप सुबह जब भी आप नहाए उसके बाद अपने लिए 10 मिनट टाइम जरूर निकालें, थोड़ा सा भी मेकअप आप कर लेंगे ना तो बहुत अच्छे दिखेंगे. तो सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट आपके पास है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट नहीं, जो भी नॉर्मल आप डेली बेसिस में यूज़ करती हैं आप उन प्रोडक्ट के साथ भी बहुत ही अच्छा सा मेकअप कर सकती हैं और बहुत ही सुंदर एंड स्टाइलिश दिख सकती हैं. तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, आपके पास इस तरह से कोई सा भी मॉइस्चराइजर होना चाहिए. तो अभी मेरे पास ये जॉय का प्योर एलोवेरा मल्टी बेनिफिट स्किन क्रीम है जो कि बहुत ही अच्छी है, लाइट वेट है, गर्मियों के लिए भी बेस्ट है. तो आप इसे यूज कर सकते हो चाहे किसी भी स्किन टाइप के हो, 10 रुपीज में मिल जाएगी, इसका बड़ा भी टब आता है. तो जो भी आपके पास अवेलेबल मॉइस्चराइजर हो वो ले सकते हो, नहीं तो आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो. मेकअप के पहले अपने स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करिए. सो गाइज, उसके बाद आप इस तरह से फेयर एंड लवली क्रीम ले सकते हो जो कि सभी के पास होती है और मोस्ट ऑफ लेडीज को मैंने देखा है कि यही यूज करते हुए. मैं अपने दादी नानी के जमाने बचपन से देखती आई हूँ, नानी को देखा, दादी को देखा, मम्मी को देखा फेयर एंड लवली यूज करते हुए. तो आप इसको ले सकते हो जो कि सभी घरों में मिल जाएगा. उसके बाद आप कोई अच्छा सा एक लूज पाउडर ले सकते हैं, टेलकम पाउडर ले सकते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं. तो बजट में ये आपको मिल जाता है 10 रुपीज का पॉन्स का, जो कि सभी घरों में इजिली मिल जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है.
उसके बाद आप एक काजल ले लीजिए और इस तरह की आईब्रो पेंसिल ले लीजिए और बिंदी का पत्ता सभी के पास होता ही है एंड लिपस्टिक। बस इतनी सारी इतनी चीजों से मैं आपको बहुत ही सुंदर सा लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी जो कि डेली बेसिस पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर लगा लूंगी, बिंदी में निकाल देती हूँ। तो मॉइस्चराइजर आप जरूर लगाएं, इससे स्किन आपकी अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी, सारा दिन हाइड्रेट रहेगी। मॉइस्चराइजर से पहले आप चाहें तो कोई सा भी टोनर या फिर रोज वाटर लगा सकते हो। मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज किया है क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता कि ज्यादा प्रोडक्ट के साथ में फटाफट वाला लुक करे। तो इस तरह से आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद आप फेयर लवली क्रीम या फिर कोई भी बीसीसी क्रीम आप लगा सकते हो। फेयर लवली सभी के पास होता है इजली, तो इस तरह से डॉट डॉट करके अप्लाई करिए। कोई भी क्रीम लगाएं आप तो रगड़ के मत लगाएं। अब थोड़ी सी क्रीम लेके आप अपनी आईलिड एंड अंडर आई पे भी लगा लीजिए और थोड़े बहुत डार्क सर्कल हैं वो आपके हाइड हो जाएंगे, अलग से कालापन नहीं लगेगा। अब कोई सी भी आप आईब्रो पेंसिल ले लीजिए, मेरे पास एडीएस की है जो कि 10 रुपीज में मिल जाएगी, तो सभी के पास ये होती होती है। तो आप अपने आईब्रो को जरूर फिल करें अगर आपकी आईब्रो भी मेरी तरह थिन है तो, अदरवाइज अगर ठीक ठाक है, थोड़ी थिक है, घनी है तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना लगाएं, बहुत ही लाइट लगा रही हूँ। फिल हो गई है, अब क्या करेंगे, ये पॉन्ड्स पाउडर में ले रही हूँ और इस तरह से अपने हाथों पे निकाल लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं निकालना है, और फिंगर की हेल्प से आप इसको अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से अप्लाई कर लीजिए, उससे बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। कोई पफ है तो पफ से कर लीजिए, ब्यूटी ब्लेंडर से कर लीजिए, बट मैं फिंगर से ही यहाँ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों के पास ये सारी चीजें नहीं होती हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा लेके आईलिड को मैं सेट करूंगी क्योंकि मुझे डार्क सर्कल हो गए हैं। नेक पे भी अप्लाई कर लीजिए बचा हुआ प्रोडक्ट। अगर आपकी आईब्रो बहुत ज़्यादा ब्लैक दिख रही है तो थोड़ा सा पाउडर इस पर भी इस तरह से लगा सकते हैं तो वो नेचुरल लगेगी। अब आप लिपस्टिक लगा लीजिए। तो लिपस्टिक जब भी आप लगाएं बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना लगाएं, रेड मैरून मतलब ये सारे कलर जो है ना पार्टी में ही अच्छे लगते हैं। डेली बेसिस पे आप न्यूड लिपस्टिक लगा सकते हैं, ब्राउन लगा सकते हो, न्यूडिस पिंक सा शेड लगा सकते हो। मतलब कहने का ये है कि आप लाइट शेड ही चुने। तो मेरे पास ये रेड 4 का है 5-in-1 लिपस्टिक जो कि मैंने मीशो से परचेस किया था, आपको अंडर 100 मिल जाएगा। तो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूड पिंक पर्पल सारे शेड मिल जाते हैं। तो एक आप ये रखोगे ना तो अलग अलग डे आप अलग अलग लिपस्टिक ट्राई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये न्यूड वाला शेड लगा रही हूँ जो कि ब्राउन टोन में है और काफी अच्छा लगता है। तो देखिए ये कितना प्यारा शेड लग रहा है। और इतना लगाने के बाद आप बिंदी लगा सकते हो। तो आप इस तरह से जो बड़ी बिंदी होती है वो अवॉइड करिए, इससे ना आप अपने से 5 साल बड़ी लगते हो। मैं लगा के भी दिखा देती हूँ। तो ये बिंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, बड़ी बिंदी थोड़ा सा आपकी एज को ज़्यादा दिखाता है। आप इसकी जगह इस तरह से छोटी बिंदी का यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक देगी ये। तो यहाँ पे मैं बड़ी वाली बिंदी निकाल के छोटी लगा देती हूँ तो आप खुद देख लीजिएगा। ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, अच्छी भी लगती है और स्टाइलिश लुक भी देती है आपको। तो बड़ी बिंदी अवॉइड करें, आप छोटी बिंदी के साथ ही जाएं। अब उस इतना हो गया है, बहुत सारे लेडीज इतने पे ही छोड़ देती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप अपने मेकअप में काजल ज़रूर ऐड करें। अगर आपको काजल लगाना पसंद है, लाइनर लगाना पसंद है तो ऐड करें। वैसे ज़्यादातर लोग काजल ही लगाते हैं, लाइनर एंड मस्कारा घर में सभी लोग नहीं लगाते हैं। हाँ, अगर आप वर्किंग हो, आप बाहर आप काम कर रहे हो, बाहर आपको निकलना पड़ता है डेली के डेली, तो आप तो यहाँ पे फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ काजल लगा रही हूँ क्योंकि काजल लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो मैं काजल यहाँ पे लगाऊंगी अपने वाटर लाइन के ऊपर वाले, यहाँ पे भी लगा सकते हैं अपर वाटर लाइन पे इस तरह से। तो मैंने काजल अप्लाई कर लिया है।
तो सभी लोग काजल अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही जैसे मैंने पहले दिखाया था छोड़ सकते हो। तो ये मेकअप डन हो गया है। बारी आती है हेयर स्टाइल की, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही देखिए हेयर स्टाइल बस आते हैं और सुबह सुबह उठ के इस तरह से बालों को लपेट के फ्लेश लगा लेते हैं जैसे कि मैंने अभी लगाया हुआ है। तो इस तरह से नहीं रहना है, मोस्ट ऑफ लेडीज घर पे ऐसे ही रहती हैं तो ऐसे नहीं रहना, आपको थोड़ा सा अलग हेयर स्टाइल करना होगा। आप एक हाई बन बनाइए, लो बन बिल्कुल मत बनाइए, बहुत लोग लो बन बनाते हैं, लो बन नहीं बनाना है, हाई बन बनाइए या फिर आप इस तरह पोनीटेल कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल हाई बन बना रही हूँ क्योंकि घर में मुझे हाई बन बना के रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और अभी गर्मियाँ हैं तो बन अच्छा लगता है और पोनीटेल वगैरह भी साइड से जाते हैं तो थोड़ा सा इरिटेशन होती है, तो मैं बन बनाना ही प्रेफर करूँगी। तो फटाफट से मैं एक हाई बन बनाती हूँ। सो गाइस देखिए मैंने एक हाई बन बना दिया, मैंने आपको हाई पोनी भी बनाना दिखा दिया है और हाई पोनी भी बनाना दिखा दिया। तो आप जो भी बनाना पसंद करते हो, चाहे आप पोनी बनाते पोनीटेल बनाते हो या फिर आप ब्रेड बनाते हो या फिर हाई बन बनाते हो, तो इस तरह से कुछ भी आप बना सकते हो। आगे पफ बना लीजिए तो और ही ज़्यादा स्टाइलिश लुक मिलता है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही हेयर स्टाइल घर में करना पसंद करती हूँ क्योंकि बाल खुले रहते हैं ना तो कहीं ना कहीं इरिटेशन होती है गर्मियों में खासकर, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरी तरह जो ओपन हेयर में काम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आप बना लेंगे बनना बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक दिखेगा। तो अगर आप इस तरह से घर में डेली रेडी होते हैं ना तो आपको कहीं भी अचानक से जाना पड़ेगा, चाहे बच्चों के स्कूल जाना पड़े, बच्चों को लाने जाना पड़े या सब्जी लाना मार्केट जाना, तो आप जा पाओगे और आप बहुत ज़्यादा आपको देखिएगा। आप इस तरह से अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, अपने आपको थोड़ा सा भी समय देंगे ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आपके अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आएगा। जाते जाते एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि आप कभी भी चाहे साड़ी पहने, सूट पहने, टॉप पहन रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हो, तो आप ये वाला मेकअप लुक किसी भी आउटफिट के साथ में जाया जाएगा। जैसे कि मैं हूँ तो घर में मैं कुर्तीज पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो अभी भी मैंने कुर्ती पहन रखा है आप देख सकते हो, तो कुर्ती के साथ भी ये लुक बहुत अच्छे से जा रहा है। और जब भी आप मंगलसूत्र पहने तो बहुत ज़्यादा हैवी वाले मंगलसूत्र ना पहने, कुछ इस तरह से लाइट वेटेड मंगलसूत्र आप पहन सकते हो, चाहे वो गोल्ड में हो या आर्टिफिशियल कोई सा भी हो, तो मुझे इसी तरह से पहनना पसंद है। जो जो मैं फॉलो करती हूँ वही आपको बता रही हूँ। और इस तरह से छोटे छोटे टॉपिंग्स आप पहन सकते हैं, छोटी इयररिंग्स पहनिए, बड़े मत पहनिए, चाहे वो गोल्ड की हो या कोई सी भी हो, तो छोटे पहनिए, बहुत ही अच्छा स्टाइलिश लुक देती हैं। एंड बस अगर आप चूड़ी पहनना पसंद करते हो तो आप कम से कम चूड़ियाँ पहने, जैसे कि मुझे घर में कड़े पहनना इस तरह के ज़्यादा पसंद है, आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो में, मैं इसी तरह से ये वाले कड़े ही पहनती हूँ। और काज बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि काज की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है पहनना, कहते हैं वो सुहाग की निशानी होती है, तो मैं इस तरह से काज की चूड़ियाँ भी पहनती हूँ। एक चूड़ी तो मेरे हाथ में काज की रहती ही रहती है, तो आप इस तरह से काज की चूड़ी पहन सकते हैं, आगे पीछे करके बीच में एक काज का या कोई सा भी कड़ा डाल सकते हैं, या फिर अगर आप चूड़ियाँ ही पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ ना पहनिए, 4-6 चूड़ी से ज़्यादा बिल्कुल ना पहनिए। और कोशिश करिए कि आप प्लेन चूड़ियाँ पहने, डिज़ाइन वाली चूड़ियाँ ना पहने, जैसे कि होता है नहीं डिज़ाइन वाली चूड़ियाँ पहन लेते हैं तो ऊपर से उसके स्पार्कल वगैरह निकल जाते हैं तो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत गंदा लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कड़े पहन सकते हैं या फिर थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ पहने, ज़्यादा मत पहने। और फिर उसके बाद नेल पेंट बारी आती है, तो नेल पेंट आप घर में लाइट कलर के लगाएं, जैसे भी मैंने गोल्डन लगाया तो मुझे गोल्डन, सिल्वर, पिंक ऐसे नेल पेंट्स घर में रहना रह के लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। क्या होता है ना जब हमारी नेल पेंट निकल जाती है आधे आधे से थोड़ी थोड़ी सी लगी रहती है, तो जब हम डार्क कलर चूज करते हैं, डार्क कलर लगाते हैं ना, तो वो दिखती है आधी आधी से, बहुत ज़्यादा गंदा, बहुत ज़्यादा भद्दा लगता है। तो ऐसा ना करें, अगर आप लाइट कोई सी भी नेल पेंट अप्लाई कर रहे हो, लगा रहे हो, तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और अगर ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा निकल भी जाएगी तो उतना पता नहीं चलता है। तो आप लाइट नेल पेंट यूज कर रहे हैं, अगर आपको रेड, मरून या कोई सा भी डार्क कलर लगाना पसंद है, क्योंकि बहुत सारी जो लेडीज होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, वो डार्क कलर लगाना पसंद करती हैं, खासकर रेड या मरून, तो फिर ऐसे में जब जैसे भी आपकी नेल पेंट हटे आप उसको रिमूव करके दूसरी जरूर लगा लें, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, आप इसको फॉलो करेंगे ना तो आप 100% अपने एज से 10 साल कम दिखेंगे और बहुत ज्यादा स्टाइलिश एंड क्लासी लुक आपका लगने वाला है। जो भी देखेगा आपको कहेगा कि अरे वाह आप तो बिल्कुल चेंज हो गई, आप तो बहुत कम एज की लग रही हैं, है ना। तो ये जो टिप्स मैंने बताए हैं आप इसको फॉलो करिए। और बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं, मैंने देखा है कि जो हमारा मैक्सी होता है, मैक्सी गाउन जो भी नाइटी बोलते हैं,
उसी में पूरा अपना दिन निकाल देती है, तो ऐसा नहीं है भैया। उसका काम है पहन कर सोना, तो आप पहन के सोइए। घर में आप कुर्ती प्लाजो या फिर साड़ी पहनती है तो कोई अच्छी सी हल्की सी साड़ी पहनिए, और मैक्सी पूरे दिन पहन के मत रखिए। अगर मैक्सी आप पहनती हैं, आपको इस तरह से कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद है, तो आपको मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे से मैक्सी ड्रेसेस मिल जाएंगे, आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं। या फिर जो नाइट वेयर होता है हमारा टॉप बॉटम का, उसको आप ले सकते हो, है ना। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मार्केट में हैं जो आपको अच्छी एंड स्टाइलिश लुक प्रोवाइड करा सकती हैं, ठीक है। और अगर आप कुर्ती वगैरह वेयर करती तो कुर्ती के साथ में आप प्लाजो पैंट, नैरो पैंट या फिर स्कर्ट, ये सारी चीजें वेयर करिए। सलवार थोड़ा सा या चूड़ीदार आउट ऑफ फैशन हो गया है, तो उसकी तरफ मत जाइए आप। सो गाइज, ये रही मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड हेल्पफुल लगे थोड़ी सी भी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए एंड अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।